साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा बी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित, आप अगर क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा कंप्लीट करके बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि मेडिकल पढ़ाई करने यूक्रेन क्यों जाते हैं भारतीय। कहने का मतलब है, विद्यार्थी ने कहा है कि बहुत से कंट्री हैं लेकिन यूक्रेन में सर जो न्यूज़ में देखते हैं कि भारतीय स्टूडेंट ही हैं और कोई नहीं है, इस तरह से वहीं पे इतने ज़्यादा क्यों जाते हैं। कहने का मतलब है, व्हाई डू यू इंडियन स्टूडेंट गो टू यूक्रेन फॉर मेडिकल स्टडीज एंड इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन। यूक्रेन में जो है भारतीय स्टूडेंट इतने ज़्यादा क्यों हैं और वही कंट्री क्यों प्रेफर करते हैं, जबकि रसिया में भी MBBS होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, थाईलैंड में भी होता है, हर जगह होता है। और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है MBBS होता है, MD कोर्स होता है। आप अगर साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो फॉरेन स्टूडेंट ही मिलेंगे। उसका रीजन साथियों बताएंगे, करेंसी। कहने का मतलब है, बेसिक जो प्रॉब्लम है मनी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने में जो कोर्स है 20 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनकी करेंसी कम है। दूसरी बात, वहाँ की पढ़ाई जो है साथियों वो इंग्लिश में होती है, जबकि रशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, रसिया में पढ़ने जाएंगे, उनकी करेंसी भी महंगी है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद क्या होगा, जो उनकी बुक्स हैं वो रसियन भाषा में है, आपको वहाँ रसियन सीखनी पड़ेगी और वहाँ के जो टीचर हैं, बोलचाल की भाषा है वो रसियन है। जबकि यूक्रेन में क्या करते हैं, वो देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंडियंस ज़्यादा हैं तो वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और यहाँ साथियों एक और चीज़ बताऊँगा, जो करेंसी की बात है कि हमारे रुपए की वैल्यू वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। कहने का मतलब है 2.54, अगर वो हमको इस तरह से समझ लीजिए साथियों कि 2.54 रुपए अगर वो मतलब हम उनको देंगे तो उनका यूक्रेनी रुपया हमको मिल जाएगा। कहने का मतलब है, 2.5 रुपए हम अगर उनको देते हैं तो उनका एक यूक्रेनी रुपया है, जो आज की वैल्यू है अगर आप गूगल में देखेंगे 2.54। कहने का मतलब है, 2.54 रुपए जब हम उनको देंगे तो उनका यूक्रेनी रुपया एक हो जाएगा। तो जो बेसिक है मतलब पढ़ाई वहाँ की सस्ती है, उसके बाद रुपीस की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, खास बात यह है, जबकि दूसरी कंट्रियों में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस करते हैं। जैसे रसिया जाएंगे तो रसियन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी, पैसा भी आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। वहाँ पे क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है आसानी से करके आते हैं, 5.5 साल में MBBS MD की वो डिग्री दे देते हैं और MCI में मतलब वो आके यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। साथियों एक और चीज़ मैं कहूँगा, मैंने जो अध्ययन किया है कि यूक्रेन से MBBS तो बहुत से लोग कर आते हैं, लेकिन उसमें 2-4% ही लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी का हॉस्पिटल चल रहा है या नर्सिंग होम चल रहा है, अब उनके बच्चे जो है इंडिया में नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वो यूक्रेन को भेज देते हैं। यूक्रेन जाते हैं, वहाँ से डिग्री लेके आ जाते हैं और वो अपने जो है हॉस्पिटल को जो है देख रेख करने लगते हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कोई भी हमने जो देखा है वो यूक्रेन के पढ़े हुए स्टूडेंट डॉक्टर नहीं है। अब जैसे जिस हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मतलब डॉक्टर्स हैं वो सारे इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कोई किंग जॉर्ज से पढ़ा है, कोई एम्स से पढ़ा है, कोई सफाई मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, कोई जो है पटना एम्स से पढ़ा है, तो इस तरह से सभी कोई पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे मेन है मनी का, क्योंकि सस्ते में हो जाता है, उसके बाद लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, वहाँ का एक इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि सारे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए दिक्कत नहीं जाती है और इसलिए जो है लोग वहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा साथियों। अगर किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों नमस्कार।